क्षेत्र में युवाओं को मिलने वाले रोजगार और उससे जुड़े लाभों के बारे में शुक्रवार को लेफ्टिनेंट जनरल निंबोरकर एकेडमी की ओर से आयोजित पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। इस दौरान युवाओं के लिए नए रोजगार तलाशने की सख्त जरूरत पर भी जोर दिया गया। इस वर्ष पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव बहुत जोश और उत्साह के साथ मना रहा है। हम सब इस ऐतिहासिक वर्ष के साक्षी हैं। हमारी औसत उम्र 28.4 है, इसलिए हमारे युवा हमारा भविष्य लिखने वाले हैं। लेकिन बेरोजगारी का राक्षस धीरे धीरे हमारे युवाओं को हतोत्साहित कर रहा है और उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से दूर कर रहा है। महाराष्ट्र में लगभग 48 लाख पंजीकृत बेरोजगार है, लेकिन अपंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या अभी भी अधिक है। विदर्भ में 6 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार युवा है। युवा ऊर्जा को चैनलाइज करने और पारंपरिक लोगों के अलावा उनके लिए नए रोजगार तलाशने की सख्त जरूरत है। ऐसी जानकारी लेफ्टिनेंट जनरल निंबोरकर एकेडमी की ओर से आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इवन कपल ऑफ पैरामिलिट्री एंड पुलिस डिपार्टमेंट, सबको मद्देनजर रखते हुए ऊंचे पदों पर हम अपने भी विद्यार्थी देखना चाहते हैं और उनको कैसे तैयार करना है। किसी को भी इन सर्विस में ज्वाइन करने के लिए सबसे मुख्यतः हमें क्या चाहिए, हमें अपनी देशभक्ति चाहिए जो सर्वोपरि होना चाहिए। उद्देश्य जॉब भी है, इसमें कोई संदेह नहीं, एम्प्लॉयमेंट है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। साथ साथ हमें हमारे विदर्भ से ऐसे कई लोगों में होता है, लेकिन किसी कारणवश एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने से या कोई और साधन नहीं होने से उनकी जो देशभक्ति कई बार डाउन हो जाती है। और आमतौर पर पिछले 5-6 साल में मैं देखता हूँ, कभी ट्रैवलिंग में करता हूँ, अभी हाल ही में मैं पुणे में था, किसी एक बड़े फंक्शन में था, तो इस किस्म की देशभक्ति हमें जागरूक रूप में देखने को नहीं मिलती है। और वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके साथ वाले भी कोई उनको बताने वाले या नहीं होते ऊंचे पद पर, वो भी उतने ही लोगों में रहते हैं। एक ऐसा माध्यम कि जिससे हम हमारे युवकों को सैन्य दल में ज्वाइन करने के लिए प्रवृत्त करें। इस अवसर पर ब्रिगेडियर सुनील गोपांडे ने डिफेंस एग्जाम में होने वाली विविध प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी साझा की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।